एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1909 में क्या हुआ था। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आया था। मोरले मिंटो रिफॉर्म को मोरले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम भारत के वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो सेकेंड थे। इस रिफॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस थे और कुछ चीज़ें आई थी, जैसे कि पहला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। मुस्लिम लीग बनने के साथ ही मुस्लिम्स को लगने लगा था, अब उनको लगने लगा कि उनको एक सेपरेट लीडर चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या था कि कोई भी एरिया जो जिसकी मेजॉरिटी मुस्लिम्स में ज़्यादा हो, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, उसमें वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम्स ही कर सकते हैं और इलेक्शन में खड़ा भी एक मुस्लिम ही हो सकता है। तो ये चीज़ थी मुस्लिम लीग की मांग, जो कि मोरले मिंटो रिफॉर्म ने पूरी कर दी। तो इसमें अब क्या हो गया कि मुस्लिम अपनी कैंडिडेट खुद चूज़ करेंगे वोटिंग के द्वारा। दूसरा क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ इंक्रीज़ हो गई, 16 से 60 हो गई उसकी साइज़। और तीसरा, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब इंडियंस भी आ सकते थे, मतलब इंडियंस के लिए भी जगह हो गई। तो SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जो वहाँ पर अपॉइंट हुए। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।